आज विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, क्या इसका उद्देश्य रहा है? देखिए, विधानसभा का चुनाव बहुत करीब है। आज हमने महाविधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन बनाया था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन के साथ साथ जो निर्देश दिए गए उनके साथ साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ से बाईस का विधानसभा का उसका प्रत्याशी नितिन वर्मा जी को लिख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर काम कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि जब 2004 उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो चारों बार सर्व समाज के हित के कार्य किए गए, सर्व समाज के हित में फैसले लिए गए और सर्व समाज के हित में ही हर तरीके का विकास हुआ। जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, क्या कहेंगे इसको? ये सब झूठा नारा है उनका और हर चीज़ में उनका झूठ साबित हो रहा है। अभी मैंने स्टेज से भी बताया, ये जो उन्होंने वादे किए सब झूठे साबित हुए और आज पूरे प्रदेश में तिराही तिराही मची है। कितनी महंगाई है, किस तरीके के हालात गरीब लोगों के हैं, ये किसी से छुपे नहीं है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ये सब झूठे इनके नारे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस किए गए, इसके बारे में देखिए, केंद्र सरकार को ये सबसे पहले सोचना चाहिए था, इतनी नौबत नहीं आती। ये जो तीन कानून हैं एक तरीके से किसानों के लिए काले कानून हैं। इस बात को हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब इतनी कानून लागू किए थे सबसे पहले ही कहा था कि एक कानून नहीं बल्कि एक काला कानून है किसानों के, और तभी से निरंतर हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बार बार इन्हें वापस लेने की बात कर रही है। और ये वापस लेने के बाद अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले ये बयान दिया कि जिन लोगों पर झूठे मुकदमे कायम किए गए उनके मुकदमे वापस मिल जाए, जो किसानों के ऊपर मुकदमे कायम हुए वो वापस होने चाहिए, जो किसान मारे गए हैं या जिनके की मौत हुई है इस आंदोलन के जरिए तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार को एक साथी को नौकरी मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ जो किसानों के हित के फैसले हैं। अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय बाबू मुख्यमंत्री साहब, माननीय रामनेश प्रथम जी मुख्य क्षेत्र प्रभारी आगरा एवं सम्मानित मंच पर बैठे हुए एवं सामने बैठे हुए पत्रकार बंधुओं और प्रतापगढ़ बुजुर्गों हम भी और साथियों को दूर राह से आए हुए जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।